गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ आज से हम एस को शुरू करने जा रहे हैं और आप पहले सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी की और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले करेंगे जिसका नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट देखिए फर्स्ट सबसे पहले हमें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट तो आपको पता है कि भाई विकास होना किसी भी चीज़ का मॉडिफाई होना लेकिन रिसोर्स क्या होते हैं तो रिसोर्सेज की डिफाइन सबसे पहले आपके लिए लिखी हुई है और जैसा कि आप देख सकते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं वट आर रिसोर्सेज ऑल द यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंट में पाए जाने वाले सभी यूजफुल जो एलिमेंट्स होते हैं दैट सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स जो मनुष्य की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं उसे फुलफिल करते हैं उसे कंप्लीट करते हैं वो रिसोर्सेज कहलाते हैं इसका मतलब इस एनवायरमेंट में जितने भी यूजफुल चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करती है या सेटिस्फाई करती है वो क्या कहलाती है रिसोर्सेज कहलाती है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज के क्लासीफिकेशन किस बेस पर कितने रिसोर्सेज होते हैं तो देखिए नंबर फर्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन नंबर फर्स्ट कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन है देखिए उत्पत्ति के पर, के आधार पर बेस पे दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं नंबर है बायोटिक और नंबर टू है आपने साइंस में भी पढ़ा हुआ है नंबर वन बायोटिक नंबर सेकेंड अबायोटिक तो वन बाई वन बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन आपका पहला क्वेश्चन बनता है वट आर रिसोर्सेज सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज कितने हैं या व्हाट इज बायोटिक या व्हाट इज अबायोटिक तो ये वन वन मार्क के आपके क्वेश्चन भी बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं नंबर फर्स्ट तो बायोटिक रिसोर्सेज और नंबर सेकेंड अबायोटिक रिसोर्सेज तो देखिए बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज पहले दोनों की डिफाइन की बात कर लेते हैं बायोटिक रिसोर्सेज रिसोर्सेज विच आर ऑबटेन फ्रॉम बायोस्फेयर ये कह रहा है वो रिसोर्सेज जो बायोसफेयर से हमें मिलते हैं एंड हैव लाइफ और जिसमें लाइफ होती है इसका मतलब ऑल लिविंग थिंग्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या हैं वो सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जिसमें, है, जिसमें लाइफ है जैसे ह्यूमन बींग्स हैं एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में तो एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स लाइफ है एनिमल्स एंड प्लांट्स तो आप इसकी एक Uh, अगर वन लाइन में आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या कहलाती हैं बायोटिक रिसोर्सेज कहलाती हैं नंबर सेकंड की हम बात करते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज ऑल दो थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड आबाटिक रिसोर्स वो सभी चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी है बायोटिक लिविंग थिंग्स आबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स एग्जाम्पल की बात करें तो सॉइल है रॉक्स है मिनरल्स हैं ये सब किसके एग्जाम्पल है आबायोटिक के हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बन गया गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक एंड गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ आबायोटिक तो ओरिजन के बेस पे कितने होते हैं ओरिजन के बेस पे टू टाइप्स होते हैं बायोटिक और ऑबायोटिक सेकेंड हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जस्टिबिलिटी एग्जस्टिबिलिटी के बेस पे कितने टाइप्स होते हैं देखिए टू टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज रेन्यूबल एंड नॉन रेन्यूबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके रेन्यूबल एंड नॉन रेन्यूबल तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लें रेन्यूबल होता क्या है देखिए रेन्यूबल का मतलब ये होता है जिसे दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं नॉन रिन्यूएबल का मतलब कभी ना कभी वो खत्म हो जाएंगे और उसे दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है तो आइए बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल और ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे कैसे कंपैरिजन करके यानी कि तुलना करके आपस में क्वेश्चन ये भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो जो टेंथ के स्टूडेंट्स हैं ऐसे ही नोट्स बनाते जाइए ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके जो आप पेपर होगा सेम इसमें से आएंगे तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल अगर आपसे ओनली रिन्यूएबल पूछा जाए तो ये तीन पॉइंट आपका आंसर है ओनली नॉन रिन्यूएबल पूछे तो ये तीन पॉइंट आपका आंसर है और अगर डिफरेंस पूछे तो आपको वो सीधे ही करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिन्यूएबल दिज कैन बी रिन्यूड इन ए शॉर्ट टाइम कुछ समय में ही ये रीन्यूड हो जाते हैं क्या हो जाते हैं रिन्यूड हो जाते हैं नॉन रिन्यूएबल दिज कैन नॉट बी रिन्यूड ये रीन्यूड नहीं होते वन टाइम जब ये खत्म हो जाते हैं देखिए रिन्यूएबल में क्या आता है कि जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी है सनरेज़ कभी ख़त्म नहीं होगी तो सनरेज़ का यूज़ करके सोलर एनर्जी हम जम मर्जी बना सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं बट नॉन रिन्यूएबल के दे कैन नॉट रिन्यूड जैसे मान लीजिए कोल है आयरन है ये एक बार जमीन में 200 साल मिलेगा 200 साल मिलेगा बट एक टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा पॉइंट नंबर सेकेंड रिन्यूएबल में दीज डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन टू द एनवायरमेंट इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है एनवायरमेंट से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे सोलर एनर्जी है आपने अपनी छत पे सोलर पैनल लगा लिया तो इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा पर नॉन रिन्यूएबल का सेकेंड पॉइंट देखिए दीज कॉज पोल्यूशन टू द एनवायरनमेंट नॉन रिन्यूएबल जितने भी मिनरल हैं या थिंग्स हैं उससे क्या होता है पोल्यूशन होता है जैसे कोल कोयले को जलाओगे तो क्या होगा स्मोक निकलेगा पोल्यूशन होगा पेट्रोल है डीजल है ये सबसे क्या होता है पोल्यूशन होता है एग्जाम्पल की बात करें रिन्यूएबल में तो देखिए जितनी भी एनर्जी है सोलर एनर्जी है विंड एनर्जी है टाइडल एनर्जी है थर्मल एनर्जी है जियो थर्मल एनर्जी है जितनी भी एनर्जी के एग्जाम्पल हैं वो सब क्या है रिन्यूएबल के एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल की अगर हम बात करें तो नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा जियो जो जल्दी खत्म हो जाते हैं पॉल्यूशन करते हैं मिनरल्स नेचुरल गैस कोल ये सी ओ ए एल आएगा ये कोयल लिखा हुआ है बाई मिस्टेक सी ओ एल एल कोल यानी कि कोयला पेट्रोलियम सॉइल क्योंकि मिट्टी को भी लाखों साल लगते हैं बनने में तो ये आपके क्या है ये आपका एग्जेस्टेबिलिटी तो आज हमने दो टाइप कर लिए हैं एक तो ओरिजिन के बेस पे टू टाइप्स होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक आप कर चुके हैं बायोटिक लिविंग थिंग्स अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स फिर एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे आप कर चुके हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल अगर आपसे ओनली रिन्यूएबल पूछा जाता है तो ये तीन पॉइंट आपका आंसर है विद एक्जाम्पल नॉन रिन्यूएबल पूछा जाता है तो ये तीन पॉइंट है विद एग्जाम्पल और डिफरेंस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो ये आपके डिफरेंस का क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी मिलते हैं थैंक यू